साहेब, ये जो आपके आंखों के सामने जितनी भी जमीन दिख रही है ना, ये सब हमारे गांव की है। आपको जितनी जमीन चाहिए उसको दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। Hope there is no problem. अरे बाप रे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये भाषा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Okay, okay, I got it. You don't understand English. Do you have any other problem? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गुरुजी, मैं हूँ ना यहाँ पे। साहब क्या चल रहा है यहाँ? सरकार ने यहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी है, इसलिए बड़े साहब यहाँ जगह देखने के लिए आए हैं। चुपचाप इनसे अपना अपना पैसा ले लो और दूसरी जगह जाकर जिंदगी बिताओ। हमारा है, ये जगह हमारी है, इस जमीन को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, जब देखो तब उल्टा सीधा बकते रहते हो। हम इस मिट्टी के बच्चे हैं, ये मिट्टी हमारी जान है कहकर मरते रहते हो, पर क्या फायदा इसका? तुम लोग भी रोते रहते हो हमेशा कि सरकार समय पर बीज नहीं देती है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। किसानों को गुमराह मत कीजिए, आप जैसे लोग और राजनेता हमेशा किसानों को कमजोर नजर से देखते हैं। दारू पीकर मरने वालों को आप मुआवजा देते हैं, लेकिन एक किसान मरे तो उसे भिखारी की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। रंगा भाई, ये सब इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। 40 साल पहले सरकार ने तुम लोगों को ये जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी थी, इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग? हाँ, तो फिर बात ये है कि अब सरकार ये जमीन इनको पट्टे पर दे रही है, बात खत्म हो गई। ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे तुम लोगों ने किस बैंक का कर्जा चुकाया है बोलो? तुम सबके भले के लिए मैंने खुद का पैसा दिया है तुम लोगों को, वो तो तुम चुकाते नहीं और फांसी लगा के मर जाते हो। इनको भगवान ने भेजा है गांव के भले के लिए। चुपचाप इनसे पैसा ले लो, मेरा कर्जा चुकाओ और यहाँ से पहाड़ी के पास जाके अपना घर बनाओ और जिंदगी शुरू करो। और नहीं माने तो? ये आया है काफी कुछ पढ़ लिख कर, लड़ने के लिए आया है, खाने के लिए कुछ है नहीं, लड़ेगा ये है? चुपचाप चला जाए यहाँ से वरना। हे, धमकी दे रहा है क्या? धमकी नहीं दे रहा हूँ बेटा, सरकार ने इस जगह पर फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी है, वो ही तुम्हें बता रहा हूँ, समझ गए कि नहीं? नहीं समझेंगे, जान दे देंगे मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे। जान जाएगी चलेगा, लेकिन ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है तो पहले अपनी जान ही छोड़ दो साहब, दिखा दीजिए अपनी ताकत। ये सब यहाँ हो क्या रहा है? देखो ना बेटा, 40 साल पहले देवता जैसे एक आदमी ने सरकार से कहकर ये जमीन हमें दिलवाई और ये लोग अब इसे हमसे छीनने आए हैं। ए, ये कोई जज है क्या? देखो ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। Hey, who is this guy? I am शिवा, शिवराज। इस जगह पे तेरा क्या काम है? कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ शिवा नहीं। इस जमीन को शमशान बनाना चाहते हो या मंदिर, ये तुम डिसाइड करो। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों आए। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये शहर नहीं गांव है। शहर के लोग जो खाते हैं वो गांव के उगाए चावल हैं। ये कौन है जो इतना डायलॉग मार रहा है यार? हे, इसे उठा के फेंको यहाँ से। वाह वाह, make us out from here, but you cannot escape from the law and the government.
आप इस मिट्टी को चाहते हो यह गलत नहीं है। जिस दिन मिट्टी आपको चाहने लगे उस दिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। चला जा यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, रहने आया हूँ। इंतजार करना है, मैं करूंगा। बचाने आया हूँ, मैं बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा अपने अन्नदाताओं को, किसानों को। थैंक यू। कौन हो बेटा तुम? शिव हूं दादा, शहर से आया हूँ। इस गांव के बारे में मैंने सुना था, दो दिन रहने के लिए आया हूँ। पढ़े लिखे दिखते हो, तुमने घोड़ा से झगड़ा कर लिया है, वो इंसान राक्षस के समान है। पहले भगाएंगे, अगर नहीं जमा तो शिकार करेंगे। आप क्यों गांव वालों से झगड़ा मोल ले रहे हैं? मेरी बात मानो, चले जाओ। कहां जाऊं? जहां से आए हो वहां। भगवान आने के लिए एक रास्ता देते हैं, जाने के लिए 100 रास्ते बताएंगे। इसके बीच में 4 लोगों का भला कर पाऊं तो वही मेरा नसीब है। जवान हो तो पत्थर तोड़ने की हिम्मत रखते हो, क्यों हमारी मुसीबत अपने सर पर ले रहे हो? आप इस तरह मुसीबत में कितने दिन रहोगे चाचा? मरने तक। इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते आप लोग? चाहते हैं, सुनने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब वो बातें फिर से कोई दोहरा पाएगा। दादा दादा, वो कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं, उनको रहने दीजिए ना। आप किसके बेटे हो, कम से कम ये तो बता देते इनको। तो क्या होता, सबके घर में जगह मिल जाती, प्यार मिलता, सम्मान मिलता। लेकिन उन बेचारों की जो प्रॉब्लम है वो हमें कभी नहीं बताते। इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हम यहाँ पर क्यों आए हैं, घूमने के लिए या आराम के लिए? इन लोगों के साथ मिलकर, इन सब की मुसीबत जानकर, इनकी मदद करने के लिए आए हैं। थैंक्स सर, आप यहाँ आए, हमारा सपोर्ट किया। इट्स ओके। आप लोग? मैं सागर हूँ सर, इस गांव का भला हो जाए बस मैं यही चाहता हूँ सर। लेकिन मैं इस लड़ाई में अकेला हूँ सर, लेकिन आपको देखकर एक एनर्जी मिल रही है सर। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है? 3 बेडरूम होगा तो भी चलेगा, हम एडजस्ट करेंगे। बेडरूम? एक पुराना घर है, उसमें 2 बेडरूम है, वो सब एडजस्ट कर लेंगे। Uh-huh.